हे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज गेट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी होती है उसमें से टैक्स डिडक्शन क्या क्या होता है और कितनी कितनी कटौती होती है, कितना उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है, किस तरीके से उसके हाथ में कितनी सैलरी आती है, कब कब उसको इनकम टैक्स देना है, किस समय इसको उसको फिल करना रहता है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इनकम टैक्स का एक कैलकुलेटर खुला हुआ है। इसमें सिर्फ मैं कैलकुलेटर ही नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैलकुलेट आपको कैसे करना है इनकम टैक्स, कितनी सैलरी है आपकी तो क्या क्या आपका इनकम टैक्स कितना होगा। ये वीडियो सरकारी नौकरी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है और जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए है कि इनकम टैक्स कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये कैलकुलेटर मेरा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया है इसको, मैंने भी कहीं से इसको उठाया है। जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, मैं उसको एक क्रेडिट देना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा टैक्स कैलकुलेटर है, मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है ये। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम क्या होती है और टेक होम सैलरी क्या होती है, इसकी जानकारी मैंने इससे पहले वीडियो में दे रखी थी। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप जाकर के देखिए कि किस तरीके से जो सैलरी टोटल होती है और टेक होम सैलरी होती है और ग्रॉस सैलरी होती है उसमें क्या फर्क होता है, सैलरी में टेक होम सैलरी में ग्रॉस सैलरी में क्या फर्क होता है। ग्रॉस इनकम आप ऐसे नहीं बता पाएंगे अपनी, ग्रॉस इनकम आपका सैलरी जो होती है उससे आपका डिडक्शन और ये सब चीजें मिला करके आपका बनता है, तो उसको जाकर के बिल्कुल देखिए तभी आपको इनकम टैक्स आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। ये उसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट समझ सकते हैं आप। ग्रॉस सैलरी यहाँ पर मानते हैं आपकी 10 लाख रुपए है, अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो अब अंडर 10A का एग्जेम्पशन होता है जिसमें HRA कन्वेंस एक्सेट्रा का यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स का भी मिलता है एग्जेम्पशन, लेकिन हम उसकी बात को यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हुआ है 10 लाख रुपए, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है। अब टैक्सेबल इनकम कितनी है आपकी वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो ग्रॉस इनकम होता है उसको आप यहाँ रख दीजिए। उस समय से स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 रुपए, ये होता ही है हमेशा 50,000 रुपए गवर्नमेंट की ओर से दिया गया डिडक्शन है, तो 10,000 में से 50,000 तो सीधा सीधा आप घटा दीजिए। 80C में कोई डिडक्ट करते मतलब पीएफ के लिए भी मैंने उसी वीडियो में आपको बता रखा था, वीडियो को जरूर देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना आपको ये बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। पीएफ में जो डिडक्शन हुआ पीपीएफ में, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईएलएसएस में आपने कुछ दिया हुआ है, एनपीएस में दिया हुआ है, तो ये सब में भी आपका यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। मैं मान के चलता हूँ आपने कोई यहाँ पर सेविंग नहीं की हुई है, सेविंग का ऑप्शन 1.5 लाख रुपए का हमारे पास रहता है हमेशा, आप 1.5 लाख रुपए तक सेविंग कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को स्टैंडर्ड मान करके किया जा रहा है कि आपने कोई सेविंग नहीं की है तब आपका टैक्स कितना बनेगा, सेविंग किया है तो फिर अलग चीज होगी, यहीं पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा आ जाएगा कि कितना सेविंग आपकी होगा और कितना टैक्स बनेगा। तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया 50,000 रुपए। अब जो टैक्सेबल इनकम हो गई आपकी 950,000 रुपए ईयरली इनकम, 950,000 रुपए आपकी ये टैक्सेबल इनकम हो गई। अब जो टैक्स लगेगा वो इसी पैसे पर टैक्स लगेगा, टैक्स डायरेक्ट पैसे पर नहीं लगता है, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। पहले 2.5 लाख रुपए में इस 9 लाख में से 2.5 लाख रुपए मतलब 2.5 लाख पे अलग टैक्स, उसके बाद जो 7 लाख रुपए है उस पर अलग टैक्स, तो पहले 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं है। 9 लाख में 9.5 लाख में 2.5 लाख गया, 7 लाख बचा, तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, बाकी के बचे 7 लाख, मतलब जो सेकंड के 5 लाख होंगे, मतलब उस 7 लाख में से 5 लाख उसके बाद बच गए 2 लाख, 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं मतलब जीरो, 5 लाख पे 5%, 2.5 लाख का 5% 12,500, ये बताने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज निकालना आप सभी को आता हो। तो 5 लाख का ढाई जो 5 लाख का जो ये बचा आपका उसमें है आपका 5% लग गया, तो ये बना आपका 12,500, 2.5 लाख का 5% 12,500। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो बाकी की सैलरी बची, अब बाकी की सैलरी कितनी बची, 4,50,000, 4,50,000 जो सैलरी बची उसका लगेगा 20%, 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख के ऊपर 20%, उसका 20%, 4,50,000 का 20% बचना 90,000 रुपए, 90,000 12,500 दोनों मिलाकर के 1,02,500 रुपए आपका टोटल टैक्स आ गया। ये टैक्स नहीं हुआ अभी, इस पर और लगेगा 4% सेस, 4% किसका, इसका 4% नहीं,
जो टोटल टैक्स बना उस पर भी सरचार्ज लगेगा, जो टोटल टैक्स बना आपका उस पर भी सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज लगा आपका उस पर 1,02,500 पर सरचार्ज लग गया 4,100 रुपए, 4% जो होता है एजुकेशन सेक्स, इसे बोलते हैं एजुकेशन सेक्स, ये 4% लग गया आपका, 4,100 रुपए ये लग गया। तो टोटल आपका जो टैक्स आ गया 1,06,600 रुपए टोटल आपका टैक्स आ गया। अब ये 1,06,600 रुपए आपको एक साल में पेमेंट करना है। आपके पास ऑप्शन है 3-3 महीने में पेमेंट कर सकते हैं आप इसको, मतलब इसको 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए और 3-3 महीने में पेमेंट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है आप मंथली भी डिपॉजिट कर सकते हैं, 1,06,000 को 12 मंथ की इक्वल ही ईएमआई में कन्वर्ट करके आप हर महीने अपनी सैलरी से डिडक्ट करा सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास है, ये ऐसा आप कर सकते हैं, बहुत से एम्प्लॉय ऐसा करते भी। तीसरा ऑप्शन है आप जा करके पूरा टैक्स साल के अंत में 1,06,000 रुपए आप जा करके सीधा दे दीजिए साल के अंत में, मार्च के अंत में। तो ये आपका क्या है कि पूरे साल आपका जो टैक्स नहीं कटेगा, लास्ट में जाकर के एक मुश्त आपको टैक्स देना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन इसमें ये है, आपको नहीं पता कि आपके टोटल टैक्स कितना बनेगा, आप 1,00,000 रुपए आप मोटा मोटा कैलकुलेट करके 1,00,000 रुपए इनकम टैक्स में आप जमा कर दीजिए। लास्ट में जो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें प्लस या माइनस आएगा, जैसे प्लस आ गया यहाँ पे 1,06,600 रुपए, 1,00,000 आप पहले से जमा कर सकते थे, 6,000 रुपए आपको बैलेंस जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए यही टैक्स आपका 95,000 रुपए होता, उस केस में आपको 5,000 रुपए फिर से आपको ITR फिल करके मिल जाता, मतलब आपको रिटर्न मिल जाता। तो टैक्स भरने के बहुत से ऑप्शन है, मुझे लगता है कि टैक्स का सिस्टम आप सभी को समझ में आ चुका होगा। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगाओ सर जी बोलिए, बुरा लगाओ फर्जी बोलिए, लेकिन वीडियो पे कमेंट जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अच्छा लगा है तो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।